हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशनी बानू रोज़ का किचन में आज फिर आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चिकन बिरयानी, जो इजी होममेड रेसिपी है, जो आप भी अपना किचन में बना सकते हैं, मैं भी बना सकती हूँ और हम सब लोग अपना अपना किचन में बना सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ देखिए कैसे बनते हैं ईजी होममेड चिकन बिरयानी। और मेरा आज का रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस कीजिए, उससे आपको मेरा हर आने वाला रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो चलिए आइए देखते हैं होममेड चिकन बिरयानी। जैसे कि मैंने आज बोला आप लोगों से कि आज हम लोग चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं, ईजी होममेड चिकन बिरयानी, जो अपने अपने घर में सब लोग बना सके। तो चले आइए, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है वो सब आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, जो धो के बड़े बड़े पीस में अच्छे से रेडी किया है। उसके बाद आपको चाहिए 5 पीस बड़ा बड़ा प्याज ऐसे कटा हुआ। उसके बाद आपको चाहिए 5 पीस बड़े बड़े टमाटर कटा हुआ, 4 चम्मच रिफाइन ऑयल, नारियल का पेस्ट, काजू का पेस्ट, ये मैंने 10 पीस काजू लिया है उसका पेस्ट है, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 10 पीस बीच से कटा हुआ हरा मिर्च, 4 चम्मच दही, 4 पीस तेजपत्ता, नमक स्वाद अनुसार। तो ये रहे आपके बिरयानी के चिकन बनाने के लिए सामान। अब आपने बिरयानी के चिकन में जो इंग्रेडिएंट्स पड़ता है वो तो नोट कर लिया, अब नोट कर लीजिए जो चावल में पड़ता है। तो बिरयानी का चावल 2 किस्म का होता है, एक आपका लंबा लंबा बासमती राइस होता है और दूसरा ये भोग चावल होता है। तो आप ये 2 चावल में से किसी का भी बिरयानी बना सकते हैं, दोनों ही बिरयानी बनाने के लिए चावल अच्छा है। तो अभी लॉकडाउन के कारण मेरे पास तो लंबा लंबा बिरयानी चावल तो है नहीं, तो इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ आज ये भोग चावल का। तो 1 kg चिकन के लिए चाहिए आपको 1 kg चावल। तो मैंने यहाँ पे 1 kg चावल लिया है, उसके लिए लिया है मैंने 2-3 तेज़पत्ता और उसके लिए लिया है इलायची लौंग, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद 1 kg चावल के लिए लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच का 4 चम्मच घी। ये रहे बिरयानी के चावल के लिए इंग्रेडिएंट्स, नोट कर लीजिए। अब ये तेल गरम हो गया है तो इसके ऊपर हम लोग तेजपत्ता और प्याज एक साथ डालेंगे। ये प्याज जब तक लाल फ्राई नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये प्याज को भूनेंगे। अब ये प्याज भून के ब्राउन हो गया है, इसको तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन हो जाए। तो अब ये ब्राउन हो गया है तो इसके ऊपर हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हरा मिर्चा, टमाटर, अब इसको अच्छे से हिला के पकाना है। पहले टमाटर को थोड़ा सा गलने देना है।
टमाटर थोड़ा सा गल गया है। टमाटर थोड़ा सा गलने के बाद आपको डालना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। अब इसको आपको अच्छे से चला के भूनना है 2 मिनट तक। ये 2 मिनट हो गया। अब 2 मिनट के बाद आपको डालना है, ये हमने धो के अच्छे से रखा था, इसको आपको इसमें मसाले में डाल के इसको अच्छे से चला के इसको 5 मिनट के लिए आपको एकदम कम फ्लेम करके, गैस का फ्लेम एकदम कम करके 5 मिनट तक आपको ढक के पकाना है। बीच में आप देख भी सकते हैं कि नीचे से कढ़ाई से चिपका है कि नहीं, आप इसको 5 मिनट तक ढक के पकाइए कम फ्लेम पे। ये देखिए इसको भुने हुए 5 मिनट हो गया। अब इसको 5 मिनट के बाद हम लोग डालेंगे नारियल का पेस्ट। और काजू का पेस्ट। नारियल और काजू का पेस्ट डालने के बाद इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चला के एकदम कम आंच करके कम फ्लेम में हम लोग इसको पकाएंगे जब तक ये चिकन सॉफ्ट ना हो। बिरयानी के चिकन के लिए सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, तब खाने में भी टेस्ट आता है। इसीलिए चिकन ज़्यादा आंच पे हम लोग पकाएंगे तो चिकन हार्ड होता है, तो जितना कम आंच में हम लोग पकाएंगे उतना ही चिकन सॉफ्ट होगा। तो इसके लिए हमको एकदम लो फ्लेम रखना है और ढक के इसको आहिस्ता आहिस्ता बीच में चलाते रहना है। ये चिकन हमारा 20 मिनट हो गया। 20 मिनट मैंने इसको पकाया। 20 मिनट तक इसको मैंने ढक्कन लगा के कम फ्लेम में आहिस्ता चलाते हुए पकाया। ये देखिए अब चिकन गल गया है। आपको इसमें पानी नहीं डालने से भी होगा, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि हम लोग का काजू का पेस्ट था, नारियल का पेस्ट था और धोया हुआ चिकन भी था, तो उसमें से ही थोड़ा थोड़ा पानी निकल के इसमें पानी आ गया, तो पानी डालने का ज़रूरत नहीं है, उसी से पानी निकल गया और ग्रेवी हो गया। अब ये 20 मिनट में चिकन गल गया है। पहले भी मैंने 5 मिनट पकाया था, उसके बाद 20 मिनट, तो टोटल 25 मिनट हो गया। तो लास्ट में ये दही, इसको मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से चलाना है। अब इसको दही डालने के बाद 2 मिनट थोड़ा ढक के कम आंच में पकाना है। अब ये हमारा दही डाला हुआ 2 मिनट हो गया, तो आप देख रहे हैं दही इसमें अच्छे से घुल गया है। चिकन भी गल गया है, इसे छूने से पता चलता है गला हुआ नहीं गला हुआ, सॉफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये गल गया है। अब ये हमारे बिरयानी के चिकन हुए रेडी। मैं जब भी चिकन बिरयानी बनाती हूँ तो मैं कम से कम 1/2 आवर चिकन को पकाती हूँ टोटल मिला के,
इससे क्या होता है, चिकन अच्छे से पकता है और सॉफ्ट होता है और डाइजेस्ट आराम से हो जाता है। इसीलिए आप भी ऐसे ही कीजिए, इसको कम से कम टोटल मिला के 30 मिनट तक अच्छे से चिकन को कम आँच में पकाइए। बिरयानी के लिए जब रेडी करना हो तो, ऐसे भी बिरयानी के लिए नहीं, कभी भी चिकन बनाना हो तो 30 मिनट तक आप कम आँच करके चिकन को पकाएंगे तो चिकन सॉफ्ट भी होगा और डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। और ये अब हम लोग के बिरयानी का चिकन रेडी हो गया, तो इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ढक के एक साइड पे अब रख देते हैं। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बिरयानी के लिए राइस। अब हम लोग बिरयानी के चावल बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कुकर बैठा दिया है। तो कुकर गरम हो गया है, तो गरम होने के बाद उसमें हम लोग डालेंगे घी। अब ये घी को गरम होने देंगे। ये मैंने जो बिरयानी के लिए चावल लिया था, भोग चावल, इसको मैंने अच्छे से धो के हाफ एन आवर से भींगा के रख दिया था। तो अब ये बिरयानी के चावल बनाने के लिए भींगा हुआ चावल रेडी है। तो ये घी हो गया। अब इस पे हम लोग डालेंगे तेजपत्ता, इलायची, लौंग। अब ये घी में इलायची, लौंग, तेजपत्ता डाल दिया है। अब हम लोग डालेंगे इसमें चावल। सूखा चावल इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल दीजिए। अब ये घी में सारा चावल डाल के मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा इसका पानी जो होता है वो पानी सूखने तक सिर्फ आपको भूनना है। तो ये चावल भूनने के बाद अब इसमें पानी डालना है। पानी एक केजी में मेरा 4 ग्लास चावल हुआ था, तो 4 ग्लास चावल हुआ था तो 4.5 ग्लास मैंने पानी नाप के रखा था। आप अपने अंदाज से पानी डाल सकते। ये सारा हो गया। घी में लौंग, इलायची, तेज़पत्ता डाल के चावल फ्राई करके पानी डाल दिया। अब इसके ऊपर से आपको नमक डालना है। नमक आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया बिरयानी का चावल भी रेडी। अब हम लोग बिरयानी का लेयर बनाएंगे। अब हम लोग बिरयानी का लेयर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके ऊपर से चावल डालेंगे और इसके ऊपर से फिर चावल का लेयर डालेंगे। और ये चावल के ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा फूड कलर, ये जो मैंने पानी में घोल के रखा है फूड कलर को, बिरयानी में कलर दिखने में अच्छा लगता है। और ये फ्राई की हुई प्याज। अब इसके ऊपर से फिर से चिकन डालेंगे और इसके ऊपर से फिर से चावल डालेंगे। ये मैंने बिरयानी का 2 लेयर बनाया। पहले चावल डाला, उसके बाद चिकन डाला, फिर चावल, फिर चिकन, फिर उसके बाद ऊपर से चावल, उसके बाद ऊपर से गार्निश कर देते हैं।
धनिया पत्ता, फूड कलर, और फ्राई किया हुआ प्याज। ये बिरयानी का लेयर बन के रेडी हो गया। अब आपके पास कोई पुराना तावा हो तो गैस के ऊपर तावा को गरम कीजिए। जब तावा गरम हो जाएगा तो आपका लेयर किया हुआ बिरयानी तावा के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद ढक दीजिए और 5 मिनट तक गैस ऑन करके इसको कम आंच करके छोड़ दीजिए, ताकि ये अच्छे से दम होके चिकन का जो ग्रेवी हो वो चावल में अच्छे से मिल जाए अंदर। ये 5 मिनट के लिए बिरयानी को तावे के ऊपर दम के लिए छोड़ देते हैं। ये बिरयानी को दम किया हुआ 5 मिनट हो गया। अब इसको हम लोग गैस ऑफ कर देते हैं। अब ये बिरयानी खाने के लिए रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं बिरयानी। तो चलिए सब लोग अपना अपना किचन में बनाइए बिरयानी। बहुत इजी है, सिंपल है, और जो अपने किचन में मिल जाएंगे सामान वही सामान ही लगेंगे। सो मच, बाय बाय, टेक केयर।